वालेकुम क्लास, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। कल हमने देखा था कि एक्सटिंक्शन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ उनकी रीजंस क्या हैं। आज हम देखेंगे कौन कौन सी जो स्पीशीज़ हैं वो वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्सटिंक्शन क्या है। द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नॉर्मली या स्पीशी दैट कॉल्ड एक्सटिंक्ट, कि जो भी ऑर्गेनिज्म एंड हो जाता है उसकी कोई भी इंडिविजुअल रिमेन नहीं होता, रिमेनिंग नहीं होता वर्ल्ड के अंदर। हम उसे क्या बोलते हैं कि क्या है, एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्शन अगर बन द लास्ट मेंबर ऑफ द स्पीशी डाइज इफ ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम द बर्थ रेट ऑफ स्पीशी इज लेस देन डेथ रेट देन एक्सटिंक्शन विल इवेंचुअली अकर। कि अगर एक्सटिंक्शन हम किस चीज़ को बोलते हैं, अगर कोई मेंबर क्या है, इफ़ ओवर एन एक्सटेंड पीरियड, मतलब एक खास मखसूस टाइम के ऊपर उसकी बर्थ रेट नहीं हो रही और तो इवेंचुअली उसकी डेथ रेट ज़्यादा हो रही, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, एक्सटिंक्ट है। फर्स्ट एनिमल है डोडो, इस डक की स्पीशी है ये डोडो। द डोडो वॉज अ मीडियम लार्ज साइज फ्लाइटलेस बर्ड दैट वॉज डिस्कवर ऑन द आईलैंड ऑफ मॉरिशियस इन द 1590s एंड वॉज द डिक्लेयर एक्सटिंक्ट लेस देन अ सेंचुरी लेटर इन 1681। द डोडो हैड लार्ज बॉडी, स्टबी विंग्स, अ स्मॉल कर्व टेल, शॉर्ट लेग्स एंड अ लार्ज बीक। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बर्ड है, ठीक है, जिसकी स्मॉल विंग्स हैं, एक बीक है, ये टेल है, हैवी बॉडी है उसकी, स्मॉल लेग्स हैं। तो ये 1590s के अंदर ये डिस्कवर किए थे इसको, मतलब फर्स्ट टाइम इसको देखा गया था ज़मीन के ऊपर, और 1681 मतलब एक सेंचुरी से पहले, 100 साल से पहले ये एक्सटिंक्ट भी हो गई थी। नेक्स्ट, द फैदर्स ऑफ द डोडो वर ग्रे, ब्लैक एंड वाइट इन कलर एंड लार्ज कर्व ब्लैक इज़ वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर। नेक्स्ट है सैबरे टूथ टाइगर। ये जो टाइगर, सैबरे टूथ टाइगर है ना, ये आपने अक्सर एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर, जिसना आइस एज है, ठीक है, आइस एज जो हम देखते हैं मूवी जो आई, उसके अंदर आपको ये वाला इस तरह का लाइन नज़र आता है। उसमें आपको जितने भी वो नज़र आते हैं सारे एनिमल्स, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसकी स्टोरी भी मूवी की यही है कि आइस एज एक ऐसा टाइम पीरियड आया था अर्थ के ऊपर के, तब सारा कुछ चेंज हो गया था, सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ये सैबरे टूथ टाइगर भी उसी में है। सैबरे टूथ टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नाउन प्री हिस्टोरिक एनिमल, प्री हिस्टोरिक आइस एज में आता है। इट मोस्टली एट डियर, बाइसन कहते हैं बड़े जो होते हैं, भैंसे होते हैं, वूली मैमथ्स, मैमथ्स बोलते हैं एलिफेंट्स को। इट लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड द ग्रास लैंड, वूली मैमथ। देखिए आइस एज के अंदर आपको ये वाला ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है। द वूली मैमथ वॉज एन एनॉर्मस मैमल दैट वंस रोम द वास्ट फ्रोजन नॉर्थन लैंडस्केप इज लार्ज साइज। इट हैड लॉन्ग थिक हेयर एंड एनॉर्मस टस्क, टस्क बोलते हैं जिनके ये दांत हैं, इनको टस्क बोलते हैं। इट एट ग्रासेस, ट्विंग्स एंड रशेस। पैसेंजर पिजन, द पैसेंजर पिजन और वाइल्ड पिजन इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशी ऑफ पिजन दैट वॉज एंडेमिक टू नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका में, मतलब वहाँ का था ये। इट्स कॉमन नेम इज ड्राइव फ्राम द फ्रेंच वर्ड पैसेंजर मीनिंग पासिंग बाय। ये द माइग्रेटरी हैबिट्स ऑफ द स्पीशी, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, इसलिए इन्हें पैसेंजर पिजन कहा जाता था। क्वागा, क्वागा इज अ टाइप ऑफ ज़ीब्रा। क्वागा इज एन एक्सटिंक्शन सब स्पीशी ऑफ प्लेन ज़ीब्रा दैट लिव्ड इन साउथ अफ्रीका अंटिल 19th century। इट वॉज लॉन्ग थॉट टू बी डिस्टिंक्ट स्पीशी बट जेनेटिक स्टडीज हैव शोन टू बी द साउथर्न मोस्ट सब स्पीशी ऑफ प्लेन ज़ीब्रा। मतलब इसे एक अलग स्पीशी समझा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये ज़ीब्रा की ही एक स्पीशी है। इट इज़ कंसिडर पर्टिकुलरली क्लोज टू बशल्स ज़ीब्रा। थैलासिन इज लार्जेस्ट नाउन कार्निवोर्स मार्सुपियल ऑफ मॉडर्न टाइम्स। इट इज़ कॉमन नाउन एज तस्मेनियन टाइगर, इसे आजकल तस्मेनियन टाइगर कहा जाता है, तस्मेनियन वुल्फ। नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, तस्मेनिया एंड न्यू गिनी, इट इज़ बिलीव टू बिकम एक्सटिंक्ट इन 20th century, मतलब रिसेंट ईयर में ये एक्सटिंक्ट हुआ। ग्रेट ऑक, द ग्रेट ऑक इज अ स्पीशी ऑफ फ्लाइटलेस एल्सिड दैट बिकम पेंगुइन जैसे होते हैं ना उसकी स्पीशी, बिकम एक्सटिंक्ट इन मिड 19th century। इट वॉज द ओनली मॉडर्न स्पीशी इन द जीनस पेंगुइन्स। इट इज़ अनरिलेटेड टू द बर्ड नाउ नाउन एज पेंगुइन्स विच वर डिस्कवर लेटर एंड सो नेम वाज सेलर बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल रिजेंबलेंस टू ग्रेट ऑक। नेक्स्ट है ये पहले एनिमल बर्ड्स की स्पीशी, एनिमल्स की स्पीशी, अब देखिए अब हम देखेंगे प्लांट की स्पीशी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ प्लांट। फर्स्ट इज सिजिलेरिया, इट इज़ अ जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट स्पोर बेयरिंग
एर्बोसेंट प्लांट, इट वाज अ लाइकोपोडियोफाइटा, मतलब ये ट्रीडोफाइट्स में आता है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू लाइकोप्सिड्स और क्लब मॉसेस, बट इवन मोर क्लोजली टू विल वॉट्स एज वॉज इट एसोसिएटेड लेपिडोडेंड्रॉन. लेपिडोडेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन भी क्या हो चुके हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इट इज़ एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ प्रिमिटिव वस्कुलर आर्बोसेंट. बेटा आपने ना इनमें से इनके नाम याद करने हैं, आपको नाम याद आने चाहिए. सबसे पहले जितनी भी स्पीशी एनिमल की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जितनी भी स्पीशीज प्लांट की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए और वो कहाँ पे थी और वो कब एक्सटिंक्ट हुई हैं, लाइक 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, और वो कहाँ पे प्रेजेंट थी, नॉर्दर्न अमेरिका में, साउदर्न अमेरिका में, अफ्रीका में, कहाँ पे थी. They were part of the coal forest flora. They sometimes reached height to over 30 meters. The trunks were often 1 meter in diameter. Sometimes giant club mosses bhi ne kaha jata tha. They were actually more closely related to today's quill borts than modern club mosses. Araucaria mirabilis. Araucaria aajkal bhi hamare yahan pe araucaria hota hai, theek hai, lekin usi ki ek species hai Araucaria mirabilis. Araucaria mirabilis, it is an extinct species of coniferous tree from Patagonia, Argentina. It belongs to section Bonia, the only living species of which Araucaria bidwellia from Australia. जो आजकल Araucaria लगता है वो living species है इसकी, ये तो extinct हो चुकी है ना, तो वो इसी की living species है जो आजकल Araucaria हम अपने gardens में या lawns में लगाते हैं for the sake of ornamental. Araucaria mirabilis are known from large amount of very preserved silicified wood and cones from the Cerro Sverdrado, petrified forest including tree trunks that reached 100 meter in height in life. Saint Helena, it was an island endemic native Saint Helena South Atlantic Ocean. Despite its name, it is unrelated to the true olive, the last remaining tree in the wild died in 1994. The last remaining individual in cultivated died in December 2003 despite conservation effort. मतलब कि 1994 में आखिरी उसका वाइल्ड जो था ना सेंट हेलेना का, वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसको बचाने के लिए ख़ुद ग्रो कराने की कोशिश की गई, और लेकिन उसका भी आखिरी जो प्लांट था वो 2003 में ख़त्म हो गया. साइकेड्स आर सीड प्लांट्स विच हैव लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री दैट वर फॉर्मली मोर अबंडेंट एंड मोर डाइवर्स देन दे आर टुडे. द टिपिकल हैव अ स्टाउट एंड वुडी ट्रंक विद द क्राउन ऑफ लार्ज हार्ड एंड स्टिफ एवरग्रीन लीव्स. दे यूजुअली हैव पिनेट लीव्स. इंडिविजुअल पार्ट्स आर ईदर ऑल मेल और फीमेल. जिससे हम साइकस के प्लांट देखते हैं ना, ये उसी का एक स्पीशी है साइकेड्स, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है. साइकेड्स वेरी इन साइज, हैविंग ट्रंक्स ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल meters at all. Because of their superficial resemblance, they are sometimes mistaken as palm ferns ke taur pe isko dekha ja sakta hai, kyunki iske jo leaves hai na bilkul ferns jaise hain, lekin extinct ho chuke hain ab. Franklinia, it is a monotypic genus in the tea plant family Thesea. They also species in the genus is flowering tree Franklinia alatameha, commonly called Franklinia tree, native to Altamaha River Valley in Georgia, southern eastern United States, in 19th century में extinct हो गया. Erica pyramidalis was a species of Erica that was endemic to city of Cape Town, South Africa. It was driven to extinction by early 20th century. Voila cariana, the cry violet, also known for cry pansy, is an extinct plant species from the violet genus Voila, which was endemic to French department joining. Voila cariana was discovered in 1860 but first described in 1878. ये सारी स्पीशीज़ थी जो पहले हमने पढ़ी हैं, वो एनिमल्स की स्पीशीज़ थी. अब ये सारी की सारी क्या हैं, प्लांट की स्पीशीज़ हैं. इन सब स्पीशीज़ के आप लोगों ने जो हैं वो नाम याद करने हैं, वो कहाँ पे थी, कहाँ की नेटिव हैं, और कब वो एक्सटिंक्ट हुई हैं, ये आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है. और जो जिन जिनके फ़ीचर्स बताए हुए हैं, उनके फ़ीचर्स भी आप लोगों ने याद कर लेने के, कौन से उनके स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं. जिस तरह इसके बताए गए हैं कि ये सुपरफिशियल, इसकी रिजेम्बलेंस थी पाम या फन से रिलेटेड था, या जिस तरह बाकी के बताए हुए हैं फ़ीचर्स, ठीक है, हाइना के, ये हरियाणा के, या एरोकेरिया के जो भी फ़ीचर्स हैं, वो फ़ीचर्स आपने क्या कर लेने हैं, मेमोराइज़ कर लेने हैं. और ये आपको याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है या आपको एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि एरोकेरिया जो है वो
कहाँ पे के कहाँ का नेटिव था, तो इट्स नेटिव टू पैटागोनिया अर्जेंटीना, ठीक है। और एरोकेरिया की कौन सी लिविंग स्पीशी है, एरोकेरिया बिडविलिया, ये आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।